दोस्तों, आज हम सब एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो जोरों से फैल रही है, और अब हम इस बीमारी से, इस सच्चाई से, इन हालातों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हमें इसका सामना करना है, और सामना करने के लिए कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जो इस महामारी को रोक सकती हैं। सबसे पहला कदम है अपने हाथों को, अपने आप को साफ रखना। साबुन से अपने हाथों को धोएं हर एक घंटे पे। ये बहुत ही एक आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का, प्लीज़ कीजिए। दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें, और ये वक्त अपने परिवार से या अपने दोस्तों से मिलने जुलने का नहीं है, पार्टीज में जाने का नहीं है। प्लीज़ मेरी बात सुनिए। अगर आपको एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना है तो आप फ़ोन का या वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो कीजिए। ये वक्त बहुत नाजुक है दोस्तों। अगर ये वक्त हमारे हाथों से निकल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। सो प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आइए थोड़ा जिम्मेदार बनते हैं, इस वायरस से लड़ते हैं। हम सब एक साथ हैं इसमें, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऑल द बेस्ट, माई लव टू यू ऑल, बाय बाय। हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करना। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है? क्या हो गया लोग, किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा? लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं फिल्मों में स्टंट करता हूँ, गाड़ियाँ उड़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर से लटकता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर सच में कह रहा हूँ, जान सूखी हुई है। मजाक नहीं है इस टाइम ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो, सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता तो मैं आप लोगों से कहता चलो उठो वीरों सैनिकों लड़ो, लेकिन ये जंग, इसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा हाथ धो के सिर्फ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुपचाप अंदर ही रहो, जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ। मैं फिर आऊंगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोग खिलाड़ी बने हो या बेवकूफ बने हो। घर पे रहो, धन्यवाद। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है सलमान खान। पहले तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जो कि अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं, और फिर पुलिस वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अब अपील ये है, ये जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। तो काय कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना, ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है भाई,
ये बड़ा सीरियस मामला है, ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो, ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जानें बच रही हैं, सैकड़ों जानें बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये, प्लीज, दरख्वास्त है। थैंक यू मोदी जी। एक दिन से क्या हुआ, लोग घर में रहे, शाम को सब बाहर निकल रहे, कोई गुटखा खाने, कोई पता नहीं क्या करने के लिए, मुंह पे मास्क नहीं पहन रहे। अरे अपनी जिंदगी से तो डरो। मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहन रहे। मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ और दुआ करो घर में बैठ के। यहाँ पे पता नहीं थाली थाला पता नहीं क्या, ठीक है एक दिन हो गया हो गया, रोड पे लोग बाहर निकल रहे, पुलिस कितना बंदोबस्त संभालेगी बताओ? हाँ रोड पे आप अजगर छोड़ दो, चीते छोड़ दो, शेर छोड़ दो, सब लोग घर में बराबर रहेंगे। ये मेरा ऑर्डर है मोदी जी, आप सुनो। देखो रशिया में देखो, घर में लोग रहे, बीमारी ना फैले, इसलिए जानवर शेर को छोड़ दिया गया है। बहुत सीरियस मैटर है और दुआ करो। तुम लोग टीवी देख रहे हो, मैं देख रही हूँ यहाँ पे पूरी बिल्डिंग में टीवी देख रहे हैं लोग, मेरे घर में तो चलो मैंने टीवी भी ऑन नहीं किया। प्रे करो, दुआ करो, घुटने टेको, रो परमेश्वर के सामने, हमारे पापों को क्षमा। कैसे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के लोग, सड़कों पे मास्क नहीं पहन के, इनको लगता है मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं। अबे तू क्या ऊपर से आया है क्या? हाँ तुझे कुछ नहीं होगा, मास्क नहीं पहनता तू। और ये कल ताली बजाने को बालकनी में जाके बोला था मोदी जी ने, तुम लोग जाके भीड़ के भीड़ जैसे गणपति में ऐसे ऐसे नाच रहे हो, हैं? भीड़ के भीड़ ताली और पता नहीं क्या घंटी घंटा बजा रहे हो, शेम ऑन यू। तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को? पूरी दुनिया में वायरस फैला हुआ है ये गंदा कोरोना, और तुम लोग क्या कर रहे हो? रशिया के मिनिस्टर को देखो क्या किया उन्होंने, घर में नहीं रह रहे ये बाहर निकल जाएंगे, इसलिए शेर छोड़ दिए, चीते छोड़ दिए सड़कों पे। मोदी जी हिंदुस्तान की सड़कों पे जानवरों को छोड़ दो, शेर चीतों को, ये बराबर घर में रहेंगे। अगर ये वरना ये इंडियंस है ना अपने लोग, ये लोग घर में नहीं रहेंगे, ये अपना मस्त अपना गुटखा खा के ऐसे ऐसे चलते हैं, मेरे को कुछ नहीं होगा। अरे दोस्तों मैं झाड़ू चिंदी बर्तन कपड़े, मैंने जिंदगी में सब कुछ किया नहीं है, सब कुछ कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, किसी को दरवाजे के अंदर आने नहीं दे रही हूँ। अपने आप को संभालो यार। चलो जो जो भी अभी मेरा प्रे देख रहा है ना, मेरे प्रे में बहुत ताकत है, परमेश्वर की बेटी हूँ मैं और उसकी राहों पे चलती हूँ, आप कोई पाप नहीं करती हूँ, छोटा मोटा होता है प्रभु माफ कर देता है, लेकिन बड़ा पाप नहीं करती हूँ। चलो मैं सबके लिए प्रे करती हूँ, जो भी मेरा ये देख रहा है इसको सीरियस लो, मेरा प्रभु बहुत महान है, चमत्कारी है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु जो जो भी मेरा ये मैसेज देख रहे हैं प्रभु, इन ये बालक है प्रभु, आपके बच्चे, इनके पापों को क्षमा करो प्रभु, इनको अभी तक पता नहीं है प्रभु यीशु में, यहोवा परमेश्वर में कितनी ताकत है, उसके लहू में कितनी ताकत है प्रभु। जो जो भी मेरा ये देख रहे हैं मुझे वीडियो प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, निकल ये जो बीमारी है कोरोना वायरस के, निकल जाए इस देश से, भारत देश से प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। प्रॉब्लम ये है कि हम सब जीनियस हैं, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि हमें किसी की सुननी ही नहीं है। सुबह शाम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देखने, लेकिन जब दो हफ्ते घर बैठने को मिल रहा है तो हमें काम पे जाना है। प्रेजेंटेशन, सबमिशन, रिपोर्ट्स, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। सालों जब मीटिंग में फोन नीचे छुपा छुपा के टिकटॉक इंस्टा करते हो तब नहीं गिरती इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने ठेका लिया है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलके संभाल लेंगे। और जो लोग पार्क में वॉक करने के लिए निकल लिए ना, फूफा जी के घर पे जा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, टर्फ पे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं चालू हो गई हैं, कुछ तो शर्म कर लो। आईपीएल, प्रीमियर लीग, एनबीए, F1, कॉलेजेस, स्कूल सब बंद हो गए। अरे भाई पिक्चरों की रिलीजें रुक गई हैं, लेकिन आप नहीं रुकोगे। रेस्टोरेंट्स पब वाले टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा, या इनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट्स 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। अरे निब्बा निब्बियो, एक एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। फिल्टर लगा लगा के अपने फोटोज पे कैप्शन डालेंगे, स्ट्रॉबेरीज, न्यूटेलास, फ्रोजन योगर्ट हेल्पिंग मी बीट दिस कोरोना स्ट्रेस। अरे असली कोरोना स्ट्रेस तो शुरू भी नहीं हुआ है, Phase 3 पहुंच गया ना एक बार, तो उसी फोन पे गूगल करके देख लो, चाइना और इटली की न्यूज देख लो, समझ में आ जाएगा कोरोना का स्ट्रेस होता क्या है। जब मोदी जी बोल रहे हैं, ट्रम्प भाई साहब बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, कुछ दिन दूर रह लो, तो सुन लो ना, इनको आता है।
डॉक्टर फौकी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है वायरसों का, वो भी बोल रहा है कि अगर ओवर रिएक्शन भी लग रहा है ना तो भी घर बैठो। और यहाँ लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के आ रहे हैं जू बीच पर पाव भाजी खाने। फौकी देख लेगा ना तो नौकरी छोड़ देगा, डिप्रेशन में आ जाएगा बेचारा, और यही करते रहे ना तो ट्रेनें भी बंद हो जाएंगी। इटली वीडियो बना बना के भेज रहा था दुनिया को कि उन लोगों को बता पाए कि इन लोगों ने 10 दिन तक क्या गलतियां की। हम वही कर रहे हैं अभी। दोस्त फोन करके ड्राइव पे जाने के लिए बोले ना तो उसको भर भर के गाली दो, खुद भी बैठो और सबको बोलो घर बैठे अपने अपने, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबको बताते जाओ जब तक कि गवर्नमेंट कोई गुड न्यूज नहीं बताती। इलाज बन रहे हैं, वैक्सीन ट्रायल में जा चुके हैं, सब पे एक साथ आई है मुसीबत, सब एक साथ मिलेंगे तो निकल जाएंगे इसमें से। खुद पे और दूसरों पे भरोसा करो ना, प्लीज पार्टी मत करो ना, ट्रैवल मत करो ना, लोगों को मत मिलो ना, नेटफ्लिक्स अकेले करो ना, घर से काम करो ना, घर पे काम करो ना, घर के काम करो ना, अभी शादी मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, मेडिटेट करो ना, वीडियो कॉल करो ना, हैंड वॉश करो ना, फेस टच मत करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, जीएफ बीएफ को अभी मत मिलो ना, नमस्ते करो ना, सबसे दूर रहो ना, करो ना, स्टॉप करो ना।